सो अकॉर्डिंग टू यू विच टाइप ऑफ एक्टिंग सूट्स यू द बेस्ट? चलो सही है. देखो एक एक्टर का तो मन होता है कहने का कि यार कुछ भी लाके दे दो मैं कर दूंगा, ठीक है, एनर्जी तो वही रखनी होती है. पर और खुद को जज बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली, खुद को जज मत करो. और ये एक्टिंग का मतलब मुझे लगता है नंबर वन रूल है, इफ यू आर जजमेंटल, इफ यू आर जजिंग योर सेल्फ यू कैन नेवर एक्ट गुड. क्योंकि अगर तुम्हारा खुद का कैमरा लगा हुआ है और तुम सोच रहे हो यार मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसा बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, तो फिर वो सामने वाले को भी दिख जाएगा कि ये कॉन्शियसली कर रहा है, इज नॉट इन द कैरेक्टर. तो मैं भाग रहा हूँ इस सवाल से, पर मैं सवाल का भी जवाब दे देता हूँ. मुझे पर्सनली थोड़े से ड्रामा जोन के, आप जैसा कंटेंट देखते हो आपको वैसा कैरेक्टर्स करने का ज्यादा मन होता है, मैं थोड़ा ड्रामा जोन ज्यादा देखता हूँ या प्रेफर करता हूँ ईरानियन फिल्म्स. मतलब मेरे पहले जो मुझे कुछ अलग, बचपन में तो ऑब्वियसली सलमान शाहरुख को देख के सब बड़े होते हैं, बट करेंटली असगर फरहादी करके एक ईरानियन फिल्म मेकर है एंड उनकी फिल्म्स बहुत ज्यादा अच्छी हैं, काफी रिलेटेबल भी होती हैं और काफी ड्रामा बेस्ड होती हैं. नॉट ड्रामा का मतलब ये नहीं कि किसी का कत्ल या मर्डर हो रहा है, ड्रामा मतलब फैमिली ड्रामा और वो सब चीजें बहुत अच्छे से दर्शाते हैं. तो कुछ मुझे लगता है सीरियस रोल्स वगैरह में मैं बहुत अच्छा हूँ, अभी उतनी अपॉर्चुनिटी आई नहीं है सीरियस रोल्स की, बट मुझे लगता है कि हाँ दैट इज सीरियस या फिर एनर्जेटिक तो होने चाहिए, क्योंकि मेरा नेचुरल थोड़ा एनर्जी ड्रिवन है, बॉडी लैंग्वेज या एक्टिविटी रोकनी पड़ती है, थामनी पड़ती है कि नहीं भाई रुक जा बहुत बोल लिया, तो वैसा सीन है. तो हाँ